गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूं भाई। आज अभी हम हैं कंपाला में। कल हम वापस आ गए थे, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा कहीं वाटरफॉल पे गए हुए थे, वहां से हम वापस आ गए हैं। और आज हम थोड़ा कंपाला सिटी का टूर करके आएंगे। यहां पे एक दो बड़ी फेमस मॉस्क हैं, मस्जिद जिसको हम हिंदी शब्दों में बोलें तो मस्जिद हैं। एक तो गद्दाफी की बनाई हुई है और एक हमारे यहाँ बोहरा समाज की एक मॉस्क है जो कि आप पहले भी देख चुके हो, पर वहाँ पे हमें थोड़ा एक प्लांट लगा के आना है और कुछ सिटी टूर करेंगे। और हमारे साथ आज जाएंगे हुसैन भाई और एक भाई तो सोया हुआ आज, कल की थकान नहीं उतरी भाई की। और आज का जो टूर करेंगे हम बाइक पे करके आते हैं यार, साइकिल पे नहीं, धनों पे नहीं, हुसैन भाई के साथ यहाँ पे बोडा बोडा। अरे यार, मतलब सोच भी नहीं सकते, अफ्रीका में ना जितना बॉक्सर चलता है इतना कोई भी बाइक नहीं चलता। गिनती की कोई एक दो बाइक और किसी ने शौकिया तौर पे ले रखी है तो अलग बात है, अदरवाइज सब जगह बॉक्सर। और यहाँ पे टैक्सी चलती है बॉक्सर, तो बोडा बोडा बोलते हैं उसको। और जैसे हमारे ओला उबर हैं, सिर्फ यहाँ पे बोडा बोडा की एप्लीकेशन है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी अगर युगांडा में आओ। सो मैं नीचे आके देखा, बजाज की बाइक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक यूजी बोस के नाम से बाइक है भाई के पास में, और ये सिम्बा करके एक कंपनी है। ये कंपनी यहाँ पे किसी इंडियन ने खोली हुई है, वो इंपोर्ट करता है कुछ प्रोडक्ट, ये एक तरह से चाइनीज ही है, चाइना से माल इंपोर्ट करता है थोड़ा थोड़ा और उसको लगाता है। और वैसे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इसमें, ये यहाँ पे सामान रखने वाला है, काफ़ी ईजी हो जाता है इस एरिया से। हाँ, छोटा मोटा सामान यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पीछे से उतार सकते हैं, आगे से उतारे करके नहीं। और यहाँ पे पानी की बोतल भी होती है। चलो चलते हैं भाई, चलते। और मेरे को कैमरा थोड़ा अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पंगा है। सिर्फ बाइक से आपका कुछ सामान छीना जा सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पूरे युगांडा में यही है बस। मस्जिद के अंदर की तरफ जाएंगे, ये मोहतरमा हमें अंदर लेके जाएंगे। और हुसैन भाई एक फोन कर रहे हैं तब तक। भाई इस टावर को क्या बोलते हो तुम? टावर को क्या बोलते हैं? ये एक्चुअली गद्दाफी मॉस्क का टावर ही है वेस्ट कुछ। हाँ, इसके लिए अजान वगैरह जो आती थी उसी लिए, पर्टिकुलर नाम नहीं होता कुछ भी, गद्दाफी मॉस्क के अंदर में। हाँ, सबसे पहले हम इस टावर पे जाएंगे फिर मॉस्क के अंदर जाएंगे। टावर के टॉप पे पहुँच गए भाई, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते टावर के टॉप से देखता हूँ, दिखाता हूँ ये मॉस्क रही। ये मॉस्क का प्रेयर का एरिया है, सारा कंपाला सिटी यहाँ से आपको बड़ा खूबसूरत सा नजारा आएगा। टेंपल आपको दिखा? हाँ वो। हेलो। So Kampala was originally built on 7 hills. Okay. But right now we are having 23 because it is ever expanding to the nearby hills. This is our hill number 1 where we are. Okay. Old Kampala Hill. And behind it is a Hindu temple with 3 towers. Okay. So from the Hindu temple, moving up to the Pearl of Africa Hotel, okay, that quite tall building, yeah, that is our hill number 2 called Nakasero Hill. Nakasero means a basket in Luganda. Okay. There is a food market behind the Hindu temple. Then our hill number 3 is behind the hotel, okay, where the two long antennas are. Mm-hmm. That is called Kololo Hill. Kololo. And most embassies are there. Okay. Makerele Hill, where we find Makerele University. And then our hill number 5. This one? Yes, it is called Namirembe Hill, where we find the St. Paul's Cathedral for the Anglicans. Okay. And our hill number 6 is called Lubaga Hill. Lubaga. Okay, yes. Lubaga. And our hill number 7 is called Mengo Hill, Mengo, where we find the King's Palace. And then in Uganda we also have 2 parliaments. Mm-hmm. We have the National Parliament at Nakasero Hill, and the one for the Kingdom of Buganda concerned with the culture, just in this direction. So that one is called the New Scottish Parliament. What's your name, by the way? My name is Fatima. Fatima. Yes. Thank you so much, Fatima. You're welcome. अब हम नीचे जा रहे हैं और ये 272 सीढ़ियां चढ़ के हमें नीचे जाना है। मुझे डर लगता है यार चढ़ाई से, तो मैं डरता नीचे जा रहा हूँ, पर जाऊँगा बड़ी जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में डर कम हो जाएगा। मैं ऊपर जब ऊपर चढ़ा ना, मैंने नीचे की तरफ देखा ही नहीं, झुक के चढ़ता गया। अब नीचे उतर के ही देखूँगा कि मैं इतना ऊंचा जा के आया हूँ। अब भी कैमरे की तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं है।
बस हम लोग जैसे उतरे हैं 272 कुछ स्टेजेस के, उतरने में तो काफ़ी आसान है, चढ़ने में पसीना आ गया था सर जी। नहीं पसीना तो नहीं आया पर डर लगना शुरू हो गया। पसीना तो हाँ, वो तो एग्जैक्टली अभी हवा चल रही उसके साथ पसीना सूख गया हमारा। मेरे को डर लगता है हाइट से। ये है, ऊपर गए थे हम, ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब मेरा सांस फूला है, कुछ ठीक हुआ है और अब हम जा रहे हैं नीचे मस्जिद के अंदर। President of Uganda called Idi Amin Dada. Mm-hmm. When he came to power in 1971, mm-hmm. he gave this land to the Muslims and the foundation began during his regime. Okay. But because he didn't have enough fund, mm-hmm. it laid on the foundation for 30 years. Okay. So that's when the late president of Libya, Colonel Muammar Gaddafi, visited Uganda in 2001. Mm-hmm. The leader of Muslims requested him for the funding of this mosque. So this mosque has two floors. Mm-hmm. This is the upper floor where we are. Mm-hmm. Then downstairs, we have the ground floor. Mm-hmm. So the ground floor is the one being used for the 5 daily prayers. Mm-hmm. Then this one is opened for the Friday prayers, yeah, okay. the Eid celebrations, mm-hmm. and the wedding ceremonies. Okay. So the whole of this mosque occupies 25,000 people, mm-hmm. all together, both up and down. Mm-hmm. And it's the biggest in East Africa. तो भाई ये कर्नल गद्दाफी ने मनवाई थी 2001 में। क्या हुआ था, इदी अमीन ने इसको, इसकी नीम जो है इदी अमीन ने रखी थी, पर उसके पास टोटली इतना फंड नहीं था कि वो मॉस्क को बनवा सके, तो ये बीच में रुक गई थी। तो 2001 में जब गद्दाफी यहाँ पे विजिट के लिए आए थे तो लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने ये मॉस्क बनवा के दी थी। यहाँ पे जो भी इमाम जी जो भी बोलते हैं उसको चार लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। वो अरबिक में बोलते हैं, सोहेली में बोलते हैं और उसको बाद में दो लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके, पहले 30 मिनट उनके अरबिक और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है, फिर इंग्लिश और उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। अफ्रीकन कल्चर को देखते हुए वुडन से बनाया गया है। जो बीच का पार्ट है वो और छत है जो वो अरबिक के हिसाब से बनाई गई है, और जो शीशे लगे हुए हैं वो यूरोपियन कल्चर के हिसाब से लगे हुए हैं। थैंक यू हुसैन भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हुसैन भाई ने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का, नहीं तो मेरे को मौका मिलता नहीं शायद यहाँ पे आने का। घूम रहे हैं ओल्ड कंपाला में और यहाँ पे इंडियन काफ़ी हैं, और ओल्ड कंपाला थोड़ा सा फ़ोन वगैरह आप बाहर नहीं रख सकते। ये देखिए कुमार सुपर मार्केट, सब कुछ है। और इधर सामने ही एक टेम्पल भी बता रहे हैं, ये शर्मा सुपर मार्केट आ गई है। तो देखिए फ्रेश चक्की आटा अवेलेबल है यार। मैंने फ़ोन गोप्रो को बड़ा टाइट सा होल्ड कर रखा है तो कोई दिक्कत होगी तो हैं। क्वालिटी सुपर मार्केट, वो इंडियन अगर मिठाइयाँ चाहिए हैं, मिठाई अगर इंडियन मिठाई है, दिवाली में जो दीपावली में मिठाई हाँ हाँ वो इसकी फेमस है। ये वाली इधर पान मिलते हैं आपको, पान खाने हो तो पान भी सारा, यहाँ पे पान की दुकान भी है और मिठाई की दुकान है, तो सबसे फेमस मिठाई की दुकान यहीं पे है। ये टेम्पल आ गया सामने, ये स्वामीनारायण जी का पुराना टेम्पल है, अच्छी लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। अभी नया जो बन रहा है वो 30 एकड़ में बन रहा है, जो कि मैं एक वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। अभी ये आ गया गुरुद्वारा साहिब, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। युगांडा में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 ब्रांच होंगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो अब हम एक बार गुरुद्वारा साहिब जाते हैं। मैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर मत्था टेकना, हुसैन भाई ने पहली बार गुरुद्वारे के दर्शन करवा रहा हूँ मैं। गुरुद्वारा साहिब है जी, यहाँ पे हमारे लोग जो हैं बैठे रहते हैं, एक साइड फीमेल बैठ जाती है एक साइड मेल, और वहाँ पे जो होती है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैसे आपकी कुरान होती है ऐसे हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है। जब कीर्तन वीर्तन करना हो थोड़ा सा तबले के साथ में, उसको एक गायन के रूप में जब करना हो तो इधर लेके आते हैं। मैं कंपाला में पहले हम मस्जिद गए, अभी हम गुरुघर आ गए हैं। तो गुरुघर में रामगढ़िया सिख सोसाइटी की तरफ से एक गुरुघर साहिब जी हैं, तो हमारे साथ बाबा जी हैं। सत श्री अकाल बाबा जी, तो दसो थोड़ा गुरुद्वारा साहिब कदों तक कंस्ट्रक्शन किया सी, कदों इथे गुरुद्वारा साहिब? देखो जी मैं ते 1.5 साल पहले इथे आया हां। नहीं नहीं, पर मैं इथे पहला मैं 4 साल केनिया रहा। अच्छा अच्छा, बाकी ए गुरुद्वारा काफी पुराना है, ए अबाउट 100 Yes, का। हाँ, मतलब अबाउट 90 to 100 ईयर्स अगो। ते उस तो बाद फिर विच जी जदों सारे अपने इंडियन वगैरह है ना चले गए सी, फिर बंद हो गया सी।
इंडियन ग्रेट ढाबा, हम खाना खाने आ गए भाई और ढाबे पे लेके आया मुझे हुसैन भाई, बोले बोले ढाबे इंडियन ढाबे पे खाना खिला खिलाऊंगा। इंडियन फूड टेस्ट करते हैं इंडियन ढाबे को। अच्छा भाई ने बना तो सही स्टाइलिस्ट रखा। बर्फ बोला। अच्छा अशोका लेलैंड क्या हमने बुक कर रखा है क्या? क्या बात है, देखना ये आओ भगत। तो ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं होगी भाई साहब? नहीं नहीं ये तो वो अभी तो कुछ है नहीं है। हजम सी नहीं होती। ऐसे आओ भगत, हमें दाल मखनी मंगाई हुई है और गार्लिक नान। दाल तो अच्छी बना रखी है भाई ने, नान का पता नहीं। अच्छा लगा। ये होटल के अंदर का व्यू है, ये हॉल है इनका, डाइनिंग हॉल। सामने इधर बार है, सामने बैठने की जगह है और ये बीच में बैठने की जगह है। मुझे तो ये लगा अच्छा। सामने गोलगप्पे का स्टॉल लगा रखा है। ये पेड़ क्या है यार, ये देखना, ये तने से इसका नाम क्या है मुझे समझ नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, ये इसके फूल लगे हुए हैं, कमल के फूल है ना, जैसे फूल हैं। बताना यार कोई कमेंट करके कि क्या है ये फूल। साइकिल बाबा थैंक यू वेरी मच। अरे रे 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 रे। ये हमारी दाऊदी बोरा कम्युनिटी है। ये एस्टेब्लिश्ड युगांडा में है, इसको 3 साल हो गए इस मस्जिद को। अच्छा अच्छा, दाऊदी बोरा कम्युनिटी के मस्जिद है। और बिल्कुल पीछे जो है वो विक्टोरिया लेक है, लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया, वो पीछे लेक विक्टोरिया। इसका व्यू क्या थी, ये जो मस्जिद बनी हुई थी, इसकी जो बिल्ड हुई है मस्जिद, ये पूरे रॉक्स के ऊपर थी, ये पूरा रॉक पहाड़ी इलाका था, मतलब उसको कट करके इन्होंने लेवलिंग करके मस्जिद बनाना, इट वॉज वेरी बिग टास्क। काफी टाइम लगा बट फाइनली मस्जिद बन के आपके सामने। बिल्कुल, और दिल भी खुश हुआ। और बिल्कुल शांत एरिया है जहाँ, और बच्चे खेलते हैं, बच्चों ने शुरू भी कर दिया गेम। मेरा भी मन कर रहा है वॉलीबॉल खेलने का।